शादी हो, बर्थडे हो या कोई पार्टी हो, अगर शरीर पे मस्त डिजाइनर कपड़े हैं, फ्रंकी लुक के कपड़े हैं, तो क्या बात है, सबकी नज़र, किसी न किसी की नज़र, सबकी नज़र आप पे पड़ना लाजमी है। अपने लिए और एक दो धुलाई में उसका क्रियाक्रम हो गया, फट गई तो पैसे आपके पूरी तरह वेस्ट हो गए, या पार्टी के बीच में ही डांस करते समय पार्टी डैमेजिंग और टोन जींस पहने हैं वो निकल गई, इज्जत हो गए। तो दोस्तों, टोन जींस और डैमेजिंग जींस शादी पार्टियों में खूब धमाल मचाती है और देखने में भी अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन टोन जींस कौन सी खरीदें जो एक दो बार पार्टी में पहनने के बाद खराब ना हो, क्योंकि जींस की जो डैमेजिंग जींस होती है, टोन जींस होती है, अगर ये बेहतरीन बनी हुई नहीं है तो ये एक ही धुलाई में पूरी धज्जियाँ उड़ जाती है, पूरी तरह जींस खराब हो जाता है। तो डैमेजिंग जींस में टोन जींस कैसा खरीदे या डैमेजिंग जींस कौन सी खरीदे जो अच्छी रहे, अच्छे कपड़ों में रहे और अच्छी चले। दोस्तों, टोन जींस बनता कैसा है, डैमेजिंग बनता कैसा है, ये वीडियो में मैं पहले भी बना चुका हूँ कि जींस बनती कैसी है, लेकिन आज जो बताने जा रहा हूँ, आज जो वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ, वो टोन जींस डैमेजिंग जो जींस होती है, हम कौन सी जींस खरीदें जो एक दो बार पहनने के बाद भी धुलाई करके हम पहन सकें और वैसा का वैसा उसका डैमेजिंग रहे, नहीं तो ऐसा हाल हो जाएगा एक दो धुलाई करने के बाद। देखिए, ये हाल डैमेजिंग और टोन जींस का हो जाता है। वीडियो में आज हम टोन जींस और डैमेजिंग जींस दिखा रहे हैं, आज हम टोन जींस और डैमेजिंग जींस कौन सी हमको लेनी चाहिए, आइए देखते हैं। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो वेलकम आपका, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों, ये है टोन जींस डैमेजिंग, आप जैसा देख सकते हैं, ये ग्राइंडिंग फ्रंकी लुक, ये डैमेजिंग देख सकते हैं, डैमेजिंग इसकी इसकी भी आप डैमेजिंग देख सकते हैं, बेहतरीन चीज, ये डैमेजिंग देख सकते हैं और ये डैमेजिंग आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें डैमेजिंग आपको खरीदनी कौन सी है, ये सबसे पहले आपको हमको गौर करना है, देखना है डैमेजिंग कैसी बनती है, ये वीडियो में आप ही देख चुके हैं। तो सबसे पहले डैमेजिंग हम देखेंगे, डैमेजिंग होती क्या है, ये देखिए डैमेजिंग है, नज़दीक से देखिए डैमेजिंग कैसी है, इसको देखना है, सबसे पहले देखना है डैमेजिंग अगर अच्छी है, डैमेजिंग अच्छी कैसी है, हमकी कौन सी लेना है, ये देखने के लिए देखेंगे। ये देखिए डैमेजिंग है तो इसके आजू बाजू देखेंगे हम कि जो स्टिचिंग होती है वो कपड़े लगा के, इसके अंदर का जो क्लोथ होता है, जो इसके अंदर के कपड़े होते हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर के कपड़े होते हैं, ये एक सिलाई में भी चिपक जाते हैं। ये देखिए अंदर साइड में कपड़ा लगा होता है, इसमें देखना है कि आपको स्टिचिंग इसमें है या नहीं है, तो आप देख सकते हैं इसमें जितना डैमेजिंग है कपड़े पे बराबर स्टिचिंग हुआ है, तो ये जो वॉश के बाद आपका जींस निकलेगा नहीं। अच्छी डैमेजिंग जींस की पहचान है, और जो डैमेजिंग जींस होती है वो हमको पूरे में देख लेना है। ये देखिए दिख रहा है कि डैमेजिंग है, ऊपर से देखेंगे तो इसमें सिलाई का जो स्टिचिंग है, सिलाई है वो दिखेगी, अगर ये स्टिचिंग सिलाई बराबर पैचेज के साथ लगा हुआ है तो कितनी भी धुलाई करेंगे ये आपका जींस खराब नहीं होएगा। ये सबसे बड़ी आइडेंटिटी है जींस की जो आपको खराब नहीं होगी। दोस्तों, ये देखिए पूरे जीन में नीचे पैच के ऊपर लगा हुआ है, समझो ये जींस 100% आप कितनी भी धुलाई करेंगे लेकिन इसका कपड़ा जाएगा नहीं, ये स्टिचिंग पूरे कपड़े के साथ तक रहेगी, जब तक आपका कपड़ा चलेगा तब तक ये स्टिचिंग बराबर रहेगी, आपका खुला नंगा पैर दिखेगा नहीं, आपका डैमेजिंग बढ़िया दिखेगा, डैमेजिंग अच्छा दिखेगा। दोस्तों, हमको
लेना कौन सा नहीं है वो देखेंगे, इसमें भी देख लेंगे। ये बराबर हमको वो कपड़ा लेना है जो अच्छा पोलिस्टर हो, क्योंकि डैमेजिंग में जो पोलिस्टर कपड़े होते हैं, जो वाइटनेस होता है, जो पोलिस्टर होते हैं, उन्हीं के जीन्स का, उन्हीं का गुजर बढ़िया निकलता है, वो जीन्स से सबसे ज़्यादा टिकाऊ होती है। पोलिस्टर वाले का इसमें का जो गुजर है वो जल्दी से कटता नहीं है, निकलता नहीं है। दोस्तों हमको इग्नोर कौन सा करना है देख के लेना। अभी जितनी भी जीन्स है आप सब में देखेंगे कि सब में स्टिचिंग बराबर लगा हुआ है, सब में सिलाई बराबर है। इसके लिए ये जीन्स सबसे बेहतरीन डैमेजिंग में, इसका न तो नीचे का कपड़ा गिरेगा, न नीचे का कपड़ा जाएगा, और न ये जो बुजर है डैमेजिंग का वो निकलेगा। आपको पलट के दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा अच्छा। हमको कपड़ा भी देख लेना है, इसमें कॉटन का कपड़ा कौन सा वापरना है, कौन सा कपड़ा वापरा हुआ है, कौन सा कपड़ा लगा हुआ है। अगर बढ़िया क्वालिटी का है तो एक दो धुलाई, चार धुलाई नहीं, पूरे जीन्स के साथ रहेगा। ये सबसे बड़ी पहचान है। हमको स्टिचिंग देखना है, क्योंकि जीन्सों में जो गुजर रहता है, निकल जाता है दोस्तों, वो ऐसी जीन्स से होती है। ये देख लीजिए पोलिस्टर तो कपड़ा है, डैमेजिंग भी बराबर है, लेकिन इसमें का जो स्टिचिंग है, देखिए स्टिचिंग इसमें का गायब है, इसमें कोई सिलाई नहीं है। दोस्तों ये जीन्स क्या है, ओनली चिपका हुआ है। ये देखिए अगर हम इसको निकालेंगे तो ये निकल रहा है अभी से, तो दो चार धुलाइयों में, एक ही धुलाई में पूरा जीन्स ख़राब होने वाला है। ये टोन जीन्स है जो हमको नहीं लेना है, इसको हमको देख के लेना है। अगर ऐसा ये गम लगा के चिपका हुआ है, प्रेस करके चिपका हुआ है, तो ये जीन्स हमको इग्नोर करना है, ये जीन्स हमको नहीं लेना है। ये टोन जीन्स बना हुआ है, लेकिन इसका देखेंगे फैब्रिक देखेंगे तो फैब्रिक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो इसमें कमी है, जो ये नहीं चलेगा, तो इसमें का जो कपड़ा है, जो स्टिचिंग है, वो नहीं है। ये देखेंगे ये एक ही दो बार पहनेंगे, दूसरी धुलाई में आपका नंगा पैर इसमें दिखाई देगा दोस्तों, ये कपड़ा पूरी तरह निकल जाएगा। दिखाता हूँ आपको, खोल के भी दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए ये कपड़ा पूरी तरह निकल जाएगा, ये चलने वाला ही नहीं है। तो ऐसे टोन जीन्स हमको नहीं लेना है, इग्नोर करना है। बाकी अगर है ये भी जीन्स, जो इसको ग्राइंडिंग बोलते हैं, ये क्या होता है, कपड़े का जो ऊपरी परत होता है वो ग्राइंडिंग करते हैं, काटते हैं। तो अगर फंकी लुक में आप जीन्स पहन रहे हैं, ये भी चॉइस बहुत बढ़िया है। इसमें का जो ग्राइंडिंग है ये ग्राइंडर मशीन से होता है, आपको दिखाया है मेरी वीडियो में, आपको मालूम पड़ गया होगा कि ग्राइंडिंग दोस्तों ये भी बेहतरीन चीज़ है। ये इसमें कटने फटने का कुछ रहता ही नहीं। अगर ये भी आप थोड़ा पहनने का है तो इसमें स्क्रेच जैसा दिखाई देते हैं, ये भी ग्राइंडिंग जीन्स होती है, लेकिन इनमें कोई तकलीफ ये जीन्सों में भी नहीं होती है। तो वो इसमें भी देखेंगे नीचे का जो कपड़ा लगा है वो बेहतरीन कपड़ा लगा हुआ है, मजबूत कपड़ा लगा हुआ है, और स्टिचिंग देखेंगे तो दिखाई देगा कि किनारे किनारे स्टिचिंग लगा हुआ है। इसका मतलब ये भी डैमेजिंग जीन्स अच्छी है। ऐसा करता हूँ दोस्तों, डैमेजिंग जीन्स आपको समझ में आई होगी कि टोन जीन्स हमको कौन सा खरीदना है और कौन सा नहीं खरीदना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मिलेंगे कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।